काला कलूठा बैगने जैसन ओठल रे छौड़ा, काला कलूठा बैगन जैसन ओठल रे छौड़ा, कि तोहर नकिया बाटे बनरा जैसन बैठल रे छौड़ा, कि तोहर नकिया बाटे बनरा जैसन बैठल रे। रितेश पांडे का जो गाना आज रिलीज हुआ है, बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं, सिंगर आए हुए हैं, यूट्यूब क्रिएटर आए हैं, एक और सिंगर आई है, नवोदित कलाकार है, क्या नाम है आपका? समृद्धि न्यूज से। जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको गोर छुके गोर लगाता नहीं। मैं, क्या नाम है आपका? रोशनी चौधरी। रोशनी कहाँ से है? रोशनी मोतिहारी से हूँ सर। मोतिहारी से जी। कौन कौन सा गीत आ गया अभी तक आपका? मेरा तो बहुत सारा सॉन्ग आया हुआ है, ओम प्रकाश अकेला के भी साथ में है, अपना पर्सनल भी है, अधिक करके मेरा सोलो प्रोजेक्ट है। सोलो प्रोजेक्ट से जी। गीत सुनाइए हमारे दर्शकों को। मेरा एक ऑफिशियल से सॉन्ग है, उसको मैं दो लाइन सुनाना चाहूँगी। हरदम हमरा से प्यार करे, कबो नाई निकार करे, जे तर सैया करे नकल सब तोहार करे, गईला के बाद में तोहरा रहे नकल सहवा, रोबटवा मंगा द तबे जईहा विदेशवा, हे राजा जी रोबटवा मंगा द तबे जईहा विदेशवा। क्या बात है। देखिए रोशनी चौधरी है, और कहाँ से बताइए आप? कहाँ? मोतिहारी से। मोतिहारी से। मोतिहारी में तो बहुत सारे कलाकार भाई निकलते हैं, और एक से कलाकार वहाँ से आते हैं, क्या कहेंगे, किसको देख के आप गायकी में अपना कदम रखिए, कौन अच्छा गा रहा है या हमको उसकी तरह बनना है, किसको आदर्श मानते हैं? मैं तो सबका गाना सुनती हूँ, जिसका अच्छा लगता है उसी का सुनती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ये एक फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबका सुनती हूँ। सबका सुनती हूँ जी। अच्छा ये बताइए कि रितेश पांडे जी का आज जो एल्बम रिलीज हुआ, आपको कैसा लगा ये गाना? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है चलेगा? अब तो पब्लिक का प्यार, वो जैसे चाहेगी वैसे कर देगी। और किसके किसके अरविंद उसके किसके साथ? ओम प्रकाश अकेला के साथ भी आप सर गाना जी? कौन सा गाना गाइए? उनके साथ तो बोलबम सॉन्ग किए हैं, और एक ऐसे भी हम लोग छोटा सा वीडियो बनाए हैं जो मेरा बहुत वायरल चला हुआ। कौन हो? काला कलूठा बैगन जैसन ओठल रे छौड़ा, काला कलूठा बैगन जैसन ओठल रे छौड़ा, कि तोहर नकिया बाटे बनरा जैसन बैठल रे छौड़ा, कि तोहर नकिया बाटे बनरा जैसन बैठल रे छौड़ा। ओम प्रकाश अकेला पकाई जी जी, उनको देख के ही सेम गा दी क्या? नहीं, ये जो भाई ओम प्रकाश अकेला आपको इसी टाइप के लगते हैं इसलिए आप गा दिए? नहीं नहीं, वो गीत कौन लिखा था? उन्होंने ही बनाया था। उन्होंने अपने पे बना दिया जी। हमेशा देखिए ओम प्रकाश अकेला बिल्डरवा के पापा, आप लोग नाम सुने होंगे, बेचारे अपने पे बनाते हैं, जैसा काला कलूटा नाक जैसा रहता है उसी पर उसे लिख देते हैं और दूसरे से गवा देते हैं, ऐसा है तो होता है ना लगातार बहुत सारे गीतों में आप देखी होंगे? ऐसा नहीं है सर, जैसे उनके जो दर्शक अपने पे दर्शाने के लिए चूंकि इस तरह बनाते हैं। हाँ, और हीरोइन ऐसा बोले हम। हाँ, और उसी हिसाब से उनको पब्लिक प्यार देती है, उसी अनुसार प्यार करती है। चलिए आपको रितेश पांडे के आज इस शो में आई हैं, और भी बहुत सारे कलाकारों का आप गीत सुनती हैं, आकांक्षा दुबे वाले मामले पे हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि अभी देखिए काफ़ी सुर्खियां बना हुआ है, आकांक्षा दुबे की मौत हो गई, अब पता नहीं सुसाइड है या फिर मर्डर है, अभी तक तो इसका खुलासा नहीं हो पाया है, आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो बहुत दुखद बात है कि अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है, और हाँ दुखद घटना है, बहुत दुख की बात है। जांच होनी चाहिए इस पे, अच्छे से जांच होना चाहिए, और यूपी सरकार मतलब अच्छे से जांच करे और ध्यान दे, क्योंकि इसका जो भी सच्चाई है वो बाहर आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को चाहिए क्या सच है क्या झूठ है, ये आप हम नहीं मतलब क्या बोलते हैं कि उसको नहीं प्रदर्शित कर सकते ना, क्या सच्चाई है क्या झूठा है क्या सही है कुछ नहीं बताया जा सकता है, तो ये तो सरकार मतलब अपना काम करे। चलिए बहुत 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 धन्यवाद। तो रोशनी चौधरी थी, और लगातार आप देख रहे हैं रोशनी के बहुत सारे गीत भी आए हैं, बहुत सारे कलाकारों के साथ आए हैं, तो आप देखते रहे इसी तरह लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।